हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ साथ ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो मैंने भी पहले भी ट्राई की थी, इसको बहुत अच्छी बनती है। ये जो कच्चे केले होते हैं ना, मैं इनका सालन बनाने लगी हूँ। जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो इनको बहुत अच्छे तरीके से बनाती हैं। ये देखिए, मैंने चीज़ें तैयार कर ली हैं, रेडी कर ली, मैंने अपने स्पाइसेस भी रेडी कर लिए हैं सारे, और जो मेरे पास कच्चे केले हैं। अब मैं प्याज भूनने के बाद दोबारा आपको शो कराती हूँ। ये बहुत अच्छा कच्चे केले का सालन बनता है। आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। पहले भी मैंने ट्राई किया था तो बहुत ही अच्छा, बहुत नाइस और डिलीशियस बना था। तो आज को फिर मैं स्पेशल लेके आ गई, ये कच्चे केले लेके आई थी। मैंने कहा चलो ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये अभी थोड़ी देर में मेरा प्याज ब्राउन हो जाएगा, उस वक्त तक मैं अपने जो केले जो हैं, ये कच्चे वाले केले, इसको काट कर धोकर अच्छी तरह इसके स्लाइसिस बना लेती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा मैं गार्लिक डालने लगी हूँ। ये देखिए गार्लिक मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं टमाटर डालने लगी हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, और 2 चम्मच मैं इसमें डबल क्रीम के फिर डालने लगी हूँ। ये देखिए अभी ये थोड़ी देर में भुन जाएगा मुझसे, तो मैं आपको फिर दोबारा शो कराती हूँ। ये थोड़ा सा नरम भी हो जाएगा। तो आज फिर जो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने लगी, आप ज़रूर इसको ट्राई करना। जो बहुत अच्छी, और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि आपको मेरी ये रेसिपी वाकई बहुत अच्छी लगेगी। आप देखिए व्यूअर्स, 2 मिनट हो चुके हैं, तो इसमें आप मैं अपने स्पाइसेस डाल लूँगी। ये देखिए मैंने बहुत लाइट इसमें मसाले डाले। हल्दी है, हल्का सा नमक है, हल्का सा ज़ीरा है, और हल्की सी मैंने मिर्च डाल दी है, और साथ में मैंने ये वाली मिर्चें जरूर डाली हैं ग्रीन। ये देखें 1 मिनट भूनने के बाद अब इसमें मैंने अपने वो केले ऐड कर दिए। ये देखें इतनी मज़े की रेसिपी बनती है, जैसे पाकिस्तान में अरबी नहीं होती, अरबी जैसे, अरबी मुझे नहीं पता क्या उसको बोलते हैं, वो ब्राउन सी होती है, उसके छिलके उतारते हैं तो उसको फिर छील लेते हैं तो ब्राउन ब्राउन सी होती है, वो दरमियाजमे से वाइट जैसे निकल आती है, ऐसा ही इसका टेस्ट होता है, बहुत ही नाइस और डिलीशियस। हम देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा अरबी की तरह ये जो केले का सालन है वो बन चुका है, जो बहुत नाइस और डिलीशियस बना है, बहुत ही टेस्टी है। अभी मैंने स्पून के साथ इसको टेस्ट किया था, तकरीबन गल भी चुका है, बहुत ही नाइस बना है। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। ये देखें, और ऊपर गार्निश के लिए फिर मैं ये धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी। ये थी आज की मेरी रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ, सबके साथ, फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर करना, और दुआ में मुझे याद रखना। सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा कहिए, अच्छे ख्यालात रखिए, तो अल्लाह आपको अपनी ज़माने में रखे। मैं अपने सब्सक्राइबर को अपनी दुआ में हमेशा याद रखती हूँ। तो ऐसा आप ज़रूर केले का फिर अपने लिए सालन ज़रूर बनाना, आप ट्राई करना का आपको कैसा लग रहा है। दुआ में मुझे याद रखे, मैं भी अपने व्यूअर्स आपको हमेशा अपनी दुआ में याद रखती हूँ। इस दुआ के साथ जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आखिर में वही बात, किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत सोचिए। अल्लाह हाफिज़।